आपके द्वारा किया गया मतदान बहन बेटियों की इज्जत बचा सकता है, गलत काम करने वालों के घर गिरा सकता है, धर्मांतरण को रोकने के लिए प्रयास कर सकता है। आप देख रहे हैं कि आज चारों तरफ से हिंदू को घेरने की कोशिश होती है, छोटी मोटी बातों पे उसको भड़काने की कोशिश होती है, अलग अलग तरह के नैरेटिव चलाए जाते हैं, अलग अलग तरह के विषय आते हैं महिलाओं के बीच में, बच्चों के बीच में, युवाओं के बीच में, हमारी सनातन संस्कृति पे चोट करने की कोशिश होती है। इसको अगर बचाना है तो हमको हमारे विचार की सरकार जरूर चाहिए। छोटी मोटी बातें होती हैं, छोटी कुछ गलतियां भी होती हैं, हर बात पूरी नहीं कर सकते, हर व्यक्ति को संतुष्ट भी नहीं कर सकते। सबसे जरूरी है देश, हमारा देश जब रहेगा तभी हम रहेंगे। और हमारे ही सनातन संस्कृति के लिए केवल एक ही एक देश है, वो है भारत। अगर इसे बचाना है तो केंद्र में राष्ट्रवादी सरकार चाहिए, इसी प्रकार राज्य में भी राष्ट्रवादी सरकार चाहिए। राज्य एक सीढ़ी है केंद्र को अपनी बातें मनवाने के लिए। आपके एक वोट के कारण ही धारा 370 हटी, आपके एक वोट के कारण ही जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा, समान नागरिक संहिता आएगी। क्योंकि जब देश का चुनाव होता है, देश के चुनाव में राज्य के चुनाव की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि जब कोई कानून बनता है तो राज्यसभा में भी आपका बहुमत होना चाहिए, और राज्यसभा का बहुमत विधायक तय करते हैं, विधायक आपको अपना बनाना है। इसलिए प्रदेश में भी राष्ट्रवादी सरकार चाहिए, देश में अगर मजबूत सरकार चाहिए तो प्रदेश में आपको बनानी ही पड़ेगी। कुछ छोटी बातों को छोड़कर हम एक विजन के लिए निकले हैं। हमारा विचार यह है कि भारत हमेशा चिरकाल तक अखंड रहे और भारत माता की जय जय ही रहे। इसलिए आपको अपने विचार की सरकार प्रदेश में भी चाहिए। छोटी मोटी बातों को छोड़िए, सबसे पहले सोचिए कि हमारा धर्म है, अगर हमें हमारा धर्म बचाना है, हमारी बेटियों की रक्षा करना है, तो हमको प्रदेश में भी राष्ट्रवादी सरकार चाहिए, और ऐसी सरकार जो कि प्रदेश में बने जिससे कि केंद्र में मोदी जी मजबूत हो। इस तरह का विचार करके ही हमको वोट देना है, वोट देने जरूर जाना है। हमें अपने आस पड़ोस के और सभी के लोगों को बताना कि वोट देना हमारा अधिकार तो ठीक है, ये हमारा कर्तव्य है, लोकतंत्र के लिए हमारी शक्ति इकट्ठी करके दिखाना यह जरूरी है, इसलिए वोट जरूर दें। भारत माता की जय।